بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون और तारीफ और तस्वीर के सारे कलेमात अल्लाह जल्ला जलालहू के लिए खास हैं और दुरूद व सलाम सैयद मुल्द आदम रसूल मुहतशम सैयदना व मौलाना मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम की ज़ात वाले सिफ़ात के लिए। मुख्तसर कलेमात हम्द व सलात के बाद अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अशरफुल मखलूकात कोई बहुत मुश्किल इस्तिलाह नहीं है, सादा सा तर्जुमा है इसका कि अल्लाह की जितनी मखलूकात हैं, चाहे वो डायनोसार से भी कोई बड़ी मखलूक है, आसमान से ज्यादा मुहीम मखलूक है, जमीन से बड़ी एक यानी बहुत वसी अरीज मखलूक है, या जिन्नात हैं या फरिश्ते हैं या जानवर हैं या हैवान हैं, सितारे हैं, सैारे हैं, इन सारी मखलूकात से ज्यादा अल्लाह ने इंसान को अशरफ आला बदतर बेहतर और शान वाला बनाया। वाहिद ये मखलूक है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया बलकत कर रमना बनी आलमा, हमने आदम के बेटे को इज्जत दी है। कहीं इसके बारे में फरमाया वतीनी वजैतूनी वतूनी सीनीना वहादल बनल अमीन लकद खलकन इंसान अभी अहसन तकवीम, चार कस्में उठा के कहा कि हमने इंसान को बेहतरीन तरीक पर पैदा किया है, अहसन तकवीम बनाया है। पता इंसान की अजमत का ये मुकाम अल्लाह ने इंसान को क्यों दिया, इसके पीछे एक फलसफा है। अल्लाह पाक ने जब इंसान को बनाया तो फरिश्तों के साथ जो मुकालमा हुआ आप उसको जानते हैं, मैं उसको बयान करके वक्त मजीद नहीं लेना चाहता, अपनी बात की तरफ आना चाहता हूं। उस मुकालमे में भी हमारे लिए वजाहत मौजूद है और आम हमारे कॉमन सेंस में हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है इंसान की अजमत की वजह उसकी अकल फहम और अल्लाह की तरफ से दिया हुआ उसको इख्तियार है और किसी मखलूक को अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया। फरिश्ते हैं तो उनको इख्तियार नहीं है, वो सिर्फ जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो करेंगे। जिन्नात हैं उनको वो इख्तियार नहीं मिला जो इंसानों को मिला हुआ है। बाकी सारी मखलूकात तो आपके सामने है, वो जो उनकी ड्यूटी लगी है वो कर रहे हैं। अब ये हजरत इंसान जो है ये अल्लाह ने इसको एक नजरिया दिया, इन्ना अरज़ना अल अमानत अला समावात वल अर्ज वल जिबाल फअबैना अन यहमिलना व अशफक़ना मिन्हा व हमलहा अल इंसान।
एक अल्लाह ने फिक्र और एक सोच और एक नजरिया और एक साबिता दिया, और ये साबिता अल्लाह ने पहाड़ों पर पेश किया, आसमानों पर पेश किया, जमीन पर पेश किया, उन सब ने उस जिम्मेदारी को उठाने से इनकार किया। फिर ये जिम्मेदारी इंसान पर पेश की गई तो इंसान ने उसको उठा लिया, वह हमल आल इंसान, इंसान ने उसको उठा लिया। अब ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी उसकी अजमत को बढ़ाती है। वो जिम्मेदारी क्या है? इंसान अल्लाह की पहचान रखे, बैसियत खालिक के, बैसियत राजिक के, बैसियत मालिक के, उसको पता हो कि अल्लाह पाक मेरा मालिक है, उसके सारे इख्तियार उसके पास है, मेरे बारे में जो फैसला वो करेगा वो नाफिजुल अमल होगा, सारी कायनात की कुव्वतें मिलकर अल्लाह के फैसले को बदल नहीं सकती। ये अकीदा है। जहां ये अकीदा खराब होगा वहां खराबियां पैदा होंगी, इंसान की जाती जिंदगी में भी, इंसान की खानगी जिंदगी में भी, इंसान की मुआशरती जिंदगी में भी और मौजी जिंदगी में, जहां भी यह अकीदा खराब होगा। अकीदा है अल्लाह वाहिद है, उसका इख्तियार मेरी जात पे चलता है, सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक मैं लगा होता हूं। और जब ये अकीदा ना रहे तो इंसान कायनात की हर चीज से डरता और खौफ देता होता है, फिर उसको बंदरों से खौफ आता है, फिर उसको शेरों से खौफ आता है, फिर उसको जिन्नों से खौफ आता है, फिर उसको हर एक चीज से खौफ आता है, इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह की वो अजमत चालू हुई है। कबल इस्लाम यानी बेसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी दौरे जाहिलियत जो है, जब हम उसका मुताला करते हैं, मुशाहदा करते हैं, तो वो बीमारियां जो उस मुआशरे उस सोसाइटी में राइज थी, वो बीमारियां आज हमारे मुआशरे में मिलाए थी। उन्होंने भी अल्लाह की अजमत का इनकार किया, हम भी अल्लाह की अजमत, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह की अजमत हमारे दिलों में वैसे जागुनी नहीं है जैसे होनी चाहिए। मैं एक मिसाल दे के बात आगे चलाऊं, हम किसे लड़ पड़े ना तो कोई हमारी सुलह करवाने के लिए आता है, वह कहते हैं यार अल्लाह वहां से सुलह कर लो, हम कहते हैं नहीं साढ़ा नाक नहीं दिंदा, मैं किसी को मुंह निकालने का, उसने मेरी बेइज्जती बड़ी की। अच्छा अब अल्लाह का नाम ले रहे हम नहीं मानते, जबकि उसके मुकाबले में कोई ऐसा बंदा आ जाए जो दौलत वाला हो या मनसब वाला हो या तौकीर वाला हो मुआशरे में, या जिसका हम पर एहसान हो कोई छोटा सा, वो आ जाए ना तो वो कहे यार देखो मैं तुम्हारे पास आया हूं, तो हम कहते हैं अच्छा अब आपको नहीं मोड़ा जा सकता। अल्लाह को मोड़ा जा सकता है? अल्लाह का नाम लेके इनकार कर दिया, मैं नहीं मानता, अल्लाह की अजमत को तस्लीम नहीं किया, और एक बंदा आ गया अपने जैसा, उसने कहा यानी हमारी नजर में अल्लाह से ज्यादा इस बंदे की मुकद्दर है। जबकि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का कौल, उनका अमल हमें ये नजर आता है, कोई बंदा उनसे आया कहते ना अल्लाह के लिए ये काम करते, हजरत उमर रो पड़ते थे और वो काम कर देते, कहते थे अल्लाह का नाम आ गया, अब अल्लाह की अजमत और अल्लाह की जलालत का तकाजा है कि ये काम किया जाए। जब तक ये अकीदा हमारे दरमियान नहीं होगा, हमारे दिल में नहीं होगा, उस वक्त तक हमारा मुआशरा, हमारा हमारी साथ और हमारा घर बार दुरुस्त नहीं हो सकता। मुआशरे में पाई जाने वाली बहुत सी कबाहतों में जो अकीदे की खराबी है, देखिए कमजोर अकीदा किसी भी इंसान के लिए और इंसानी मुआशरे के लिए तबाहकुन होता है। यही वजह है कि इस्लाम जो है ना,
कम इल्मी की बजाय ठोस अकायद नजरियात पुख्ता और हकीकी मालूमात पर मुश्तमिल दीन है, इसलिए कि अल्लाह ने नाज़िल किया हुआ। अल्लाह ताला मुआशरे की जरूरतों को भी जानते हैं। 1400 साल पहले ये मुआशरा, जब अल्लाह ने एक नया मुआशरा तश्कील दिया यानी इस्लाम के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, अल्लाह को उस वक्त भी पता था और आज 1400 साल बाद भी पता है और अगले 14000 साल बाद भी अल्लाह को पता है, यानी अल्लाह को पहले ही पता है कि इंसान की जरूरत कब कितनी क्या और कैसी होगी। अल्लाह ने उसके मुताबिक इस्लाम के अंदर इतनी लचक रखी हुई है कि इस्लाम हर दौर के तकाजों में पूरा उतरता है। और जो अकीदे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरुस्त फरमाए थे वो आज भी वो अकीदे दुरुस्त होंगे तो मुआशरा दुरुस्त होगा, इसलिए कि इस्लाम की मालूमात ठोस है। इस्लाम जो अकीदा देता है वो पुख्ता देता है, उसके नजरियात में पुख्तगी है। इस्लाम में तवहुमात की और ज़ईफ किस्म की और कमजोर किस्म के किस्से कहानियों की कोई गुंजाइश नहीं है। नबी सल्लम ने जो भी तालीम दी है ठोस तालीम दी है और दायमी दी है, हमेशा के लिए दी है। ये नहीं तो उस वक्त ये तालीम उस वक्त जरूरत थी, आज जरूरत बदल गई है तो लहजा प्यारे पैगंबर का हुक्म बदल गया। प्यारे पैगंबर का हुक्म नहीं बदल सकता, हमारी जरूरत और सोच को बदलना होगा, हमारी फिक्र को बदलना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में तशरीफ लाए उस वक्त भी कमजोर अकीदे की वजह से नहूसक और बद शिकोनी लेने का रिवाज था। लोग कभी कहते जिस कि मशहूर किस्सा आपने सुना सुना होगा इससे पहले भी कि एक जंगल में वो जगह यानी वो सहाबी बाद में सहाबी बने, उन्होंने जाके आवाज दी ऐ जंगल के जिन्नात के सरदार मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूं। तो वो जिन्नों में सरदार था, मुसलमान हो गया था, उसने कहा कि जाओ जाके मदीने में जाओ, मैं तुम्हारे जानवरों की बात करता हूं, वहां हमारी कोई हैसियत नहीं है, मदीने जाके कलमा पढ़ो। तो वो मदीने पहुंचते हैं और कलमा पढ़ते हैं। कमजोर अकीदे उस वक्त भी मौजूद थे, लोग नहूसत देते थे, बदशगुनी लेते थे, और ये कमजोर अकीदे आज भी मौजूद हैं। सफर का महीना चलता है ना, अभी आज सफर की 7 तारीख है, सफर का महीना आगाज होता है तो सफर के महीने को हमारे मुआशरे में मरहूस ख्याल किया जाता है। और सबब पता क्या है, वजह क्या बताते हैं? एक तो ये दौरे जाहिलियत में भी कुछ आसार ऐसे मिलते हैं कि उस वक्त भी लोग इसको मनहूस समझते थे, क्योंकि मुहर्रम तक हुरमत वाले महीने होते थे, उसके बाद जब सफर शुरू होता तो लोग लड़ाइयों के लिए निकल जाते, तो लोग बंदे मरते कत्ल होते, जो नौजवान कत्ल होते, मायल होती उन पर जो कहती ये महीना ही मनहूस है, ये आया तो हमारे जो ना बच्चे कत्ल हो गए, ये भी शवाहिद मिलते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में इस बर्र जमीन के अंदर माह सफर को मनहूस इसलिए समझा जाता है, कहते हैं जी इस महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मर्ज शुरू हुआ जिसके बाद आप दुनिया से रुखसत हो, मर्जुल वफात शुरू हुआ, इसलिए आपको इस वजह से इसको जो है वो मनहूस ख्याल किया जाता है। हमने कहा अगर इस वजह से मर्जुल वफात की वजह से इसको मनहूस समझना होगा तो फिर रबीउल अव्वल को इससे ज्यादा मनहूस समझना चाहिए। माए रबीउल अव्वल में अल्लाह के रसूल इंतकाल करके दुनिया से रुखसत हो गए तो माए रबीउल अव्वल को क्यों मनहूस नहीं समझा जाता, माए मुहर्रम को इससे ज्यादा मनहूस समझना चाहिए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला शहीद हुए, हजरत उमर फारूक शहीद हुए, वो नहीं मनहूस है। इससे भी आगे बढ़कर मैं कहूं माह रमजान को भी इस मनहूस समझना चाहिए कि इस महीने में हजरत अली शहीद हुए थे, फिर तो महीना कौन सा बाकी बचेगा, कौन सा महीना है जिस महीने में कोई ना कोई बड़ा आयान उम्मत के आयान में से कोई शख्सियत दुनिया से रुखसत नहीं हुई। हजरत उस्मान तो लाजमे शहीद हुए, तो लाजमी मनहूस हो गया। कैसी अजीब बातें हैं हमारी, कैसी फिक्र है हमारी, और ये पता क्यों है, इसलिए कि हमारे अकीदे कमजोर हैं, हम अल्लाह के फैसले को नहीं मानते, हम समझते हैं कि जो हमारी अकल है ना वो अकल ज्यादा दुरुस्त है, अल्लाह का फैसला और अल्लाह की समझ कम है, लोग बुलाए। ये माए सफर
ये इसको मनहूस समझा जाता है। सबब सिर्फ ये है कि गैरुल्लाह पर एतमाद है, अल्लाह पर एतमाद अकीदा है ना। मैंने जो आयत आगाज में पढ़ी, अल्लाह फरमाते हैं कुल पैगंबर ऐलान कीजिए लई युसीबना इल्ला मा कतब अल्लाह लना, हमें कोई चीज नहीं पहुंचती मगर सिर्फ वो जो हमारे लिए लिख दी गई है। इल्ला मा कतब अल्लाह लना, जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है ना, ये सूरह तौबा है। अल्लाह ने हमारे लिए जो लिख दी है वही सिर्फ हम तक पहुंचेगी। नुकसान की बात है तब भी, नफे की बात है तब। कारोबार में खसारा होगा तो अल्लाह ने ये लिखा हुआ है, उस खसारे को खसारा हम तक पहुंचे ही पहुंचे। दुनिया की कोई ताकत उस खसारे को रोक नहीं सकती। और अगर अल्लाह ने नफा लिखा हुआ है तो ये ऐसा हो क्या रहेगा, दुनिया की कोई ताकत, कोई हसद, कोई शरीर हमारे उस नफे को हम तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। कुल पैगंबर कह दीजिए नहीं उसीबाना इल्ला मा कतब अल्लाह लना, नहीं हम तक पहुंचती कोई चीज मगर वो जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। आएगा फरमाया वअल हुआ मौलाना, ये अकीदा है, हुआ मौलाना वो हमारा रब है, हमारा मौला है, हमारा कारसाज है, हमारा मालिक है, वो हमारा मौला है। ये समझिए अकीदा है। जब से हमने इस अकीदे को छोड़ा हुआ है तब से हमने अल्लाह को मौला छोड़ के ना और कईयों को मौला बनाया हुआ। किसी को मौला मुश्किल कुशा कह देते हैं, किसी को मौला गंजवश कह देते हैं, किसी को मौला राजवश कह देते हैं, किसी को मौला कोई बना देते हैं, किसी को मौला कोई बना देते हैं। वह मौला ना, अल्लाह हमारा मौला है, हमारा मालिक है। ये मालिक के माने अल्लाह हमारा मालिक है। आगे फरमाया वाहन अल्लाह ही पर यह तवक्कुल मोमिनों, मोमिनों को अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। यह सबक, ये अकीदा, यह सोच, ये फिक्र है जो अल्लाह ने नाजिल की है और जो अल्लाह ने पैगाम दिया है हमें, ये पैगाम है। वाहन अल्लाह ही पर यह तवक्कुल मोमिनों, अहले ईमान को अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए हर मुश्किल में, हर आसानी में, हर लम्हे में, हर कदम में। जब तो घर से निकलते तो क्या फरमाते थे, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह की जात पर तवक्कुल करते हुए अल्लाह का नाम लेते हुए, अल्लाह पर तवक्कुल का आपका ये आलम था। घर में दाखिल होते तो बड़ी तवील दुआ है, मैं वहां अल्लाह ही, अल्लाह ही की जात पर हम तवक्कुल करते हैं, अल्लाह ही की जात पर। हमारे घर में दाखिल होते हुए बाहर निकलते तवक्कुल कीजिए, अल्लाह की जात पर तवक्कुल कीजिए। अल्लाह अकबर, ये माए सफर है क्या? ये 12 महीनों में से एक महीना है जो अल्लाह ने मुकर्रर किया होगा, इसके सिवा इसकी क्या अहमियत है? अल्लाह ने साल के 12 महीने बनाए, यानी अल्लाह ने साल को 12 महीनों में तकसीम किया, उनमें से एक महीना सफर का। अब ये सफर का महीना भी तो अल्लाह ही का मुकर्रर करता है ना। और अगर कोई शख्स इस महीने को मनहूस करार देगा तो पता है कि जद कहां पे जाके लगती है, कहां पे जाके लगती है इज्जत? अल्लाह ने बनाया इसको, अल्लाह ने तो किसी महीने को मनहूस नहीं बनाया, अल्लाह ने किसी दिन और किसी घड़ी को मनहूस नहीं बनाया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया यूज़ीन इब्नु आदम, आदम का बेटा मुझे अजियत देता है। यूज़ी, जब आदम का बेटा मुझे अजियत देता है, यसुब तहर, तब वो जमाने को गाली देता है। जमाना बड़ा पैड़ा आ गया जी, नौजुल्ला आम रूटीन हम बोलते हैं, जमाना ही बड़ा खराब हो गया जी। अल्लाह फरमाते हैं अन तहर, मैं जमाना हूं, मैं जमाना हूं, मेरे हाथ में जमाने का इख्तियार है। उकल्लिमुल लैला वन नहार, रात और दिन को मैं पलटाता हूं, मैं घुमाता हूं, मैं बदलता हूं। कभी रात दिन में दाखिल हो रही है, कभी दिन रात में दाखिल हो रही है, मैं और हमने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं। एक और हदीस है, अल्लाह फरमाते हैं हदीस, हदीस से कौन सी है, यूज़ी इब्न आदम यकूल,
आदम का बेटा ये कह के मुझे अज़ियत देता है, या खैबत अद्दहर फला यकूलन अहदुकुम या खैबत अद्दहर, हाय कमबख्ती, आदम का बेटा ये कैसे मुझे तकलीफ देता है, हाय कमबख्ती जमाने की, या खैबत अद्दहर हाय कमबख्ती जमाने की। पैगंबर ने कहा फरमाया ला फला यकूलन अहदुकुम, तुम में से कोई ना कहे, अल्लाह फरमाते हैं तुम में से कोई ये ना कहे या खैबत अद्दहर, हाय जमाने की कमबख्ती, ये ना कहे फइन्नी अनद्दहर, मैं जमाना हूं। अल्लाह फरमाते हैं मैं जमाना हूं, उकल्लिबु लैलहा लैलहु व नहारहु, मैं इसको उसकी रातों को और दिनों को पलटाता हूं, और जब चाहूंगा फैला शेतु फकबज़्तुहुमा, जब चाहूंगा मैं इनको कब्ज़ कर लूंगा, खत्म कर लूंगा, दिन खत्म हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं ये बात, हर कम बख्ती ये ना कहा। सोचिए जरा हम क्या करते हैं, सफर का महीना आता है, एक इसमें आजम 13 तेजी, पहले 13 दिनों को मनहूस समझा जाता है, 13 तारीख को बिल्कुल मनहूस ख्याल किया जाता है, लोग शादियां नहीं करते इसमें, लोग खुशी नहीं मनाते इसमें, लोग इस पर एतराज करते हैं, कभी खुशी मनाना मन है, शादी करना मन है। अल्लाह अकबर, आपको इलम है, याद रखिए उस मना को। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत सुफैया बिनते हुयैय रजी अल्लाह तआला अन्हा, इन तीनों बेगमात का निकाह सफर के महीने हुआ। पहले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादियां आपने सफर के महीने में किए इनसे, और हम कहते हैं शादी नहीं करनी चाहिए, हम कहते हैं इसमें शादी करने से जो है ना वो हो जाता है। हमारे कमजोर अकायद में से मतलब एक अकीदा है, आम रूटीन, काली बिल्ली अगर नंगी वापस ले लो, अब सफर में ना जाना, काली बिल्ली गुजर गई है, काली बिल्ली तो सबकी अलामत है, काली बिल्ली किसने बनाई है, काली बिल्ली भाई भाई, आप जब काली बिल्ली के आगे से गुजरते हो तो बिल्ली नहीं कहती होगी ये मनहूस मेरे आगे से गुजर गया, वो भी तो कह सकती है ना, आप गुजर जाए तो कुछ नहीं होता, वो इतनी सी जान होती है, वो गुजर जाए तो आपको नौसत हो जाती है, आप वहां से पलट के वापस आ जाती है। और ये भी बदशगुनी है, नई गाड़ी ली है 50 लाख की 25 लाख की, और उसके आगे ना एक पुराना सा चित्र बांध दिया, यदि नजरें बच से बचती है, गाड़ी कीमती है, और भाई गाड़ी से ज्यादा तुम कीमती हो, अपने गले में लटकाया करो, पुराना सा चित्र लेके गले में लटका के निकलो। ये मैं हम एक बार पहले भी कई बार रस कर चुका, एक दरबार पे हम गए मुतालियाती दौरे पे, तो माना एक राख दमकी हुई थी, राख पड़ी हुई थी बहुत ज्यादा, वहां हमने देखा बड़े बड़े क्यूट क्यूट से बच्चे, खूबसूरत सफेद रंग के बच्चे, उनके चाहिर माँ बाप उनको बहाने जाके उस दरबार की राख उनके सारे जिस्म में मल रहे हैं, बच्चों को काला कर रहे हैं, और पूछा बस दोस्तों ये क्या है, ये बच्चों इतने प्यारे बच्चे हैं, ये इनका तुमने क्या हाल किया हुआ है, जवाब मिलता है जी हमने बरकत के लिए की है, बरकत स्वाप आना नहीं होती, बंदा पूछे कि बरकत ये काला करने से ही होती है। अच्छा अगर बच्चा काला हो जाए, कभी किसी ने कोई काली लड़की अपने बेटे के लिए पसंद की है, लड़की का रंग काला है जी हमने, और काला तो काला को पक्का रंग भी नहीं पसंद करते, और बच्चे को काला स्वा के साथ कर रहे, बाप के साथ कर रहे, कैसी अजीब हमारे गंदे अकीदे, इन अकायद की गंदगी ने हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया है, इन अकायद की गंदगी ने हमारे 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 आमाल को बर्बाद कर दिया। तो अर्ज मैं ये कर रहा था कि ये माए सफर जो है, अगर ये मनहूस है और इसमें हमने शादी नहीं कर दी, तो प्यारे पैगंबर ने 3 शादियां की हैं, 3 शादियां की हैं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस वक्त प्यारे पैगंबर क्या है या जाहिल मौलवी क्या जो आपको बताता है, कच्ची रोटी पकी रोटी किताबें पढ़ के मुसल्ले पे बैठ जाते हैं,
और फिर अपने पेट के लिए रोटी के सिवा कुछ सोचता नहीं है और रोटी के लिए सारे मसाइल बयान करते हैं और कहते मेरे नाम ये हो गया, अगर आपने ये किया तो ये हो जाएगा, अगर आपने ये किया तो ये हो जाएगा। अल्लाह की जात पर एतमाद ही नहीं है, एतमाद ही नहीं है अल्लाह की जात पर, अल्लाह की जात पर तवक्कुल ही नहीं है। बंदा सोचे तो सही कि ये किधर को जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी सल्लम के दौर में दो गजबे हुए, गजबे अबवा और गजबे फेरे मोना, दोनों सफर के महीने में, और दोनों में फतह मिली। अगर ये महीना मनहूस होता है तो गजबों में फतह क्यों मिलती? महसूस ही होता है कि फतह गजबों में या जिंदगी में अकीदे की बुनियाद पर मिलती है, जो हमारे दिल का अकीदा है। अगर दिल में अकीदा नहीं है तो काली बिल्ली से भी डर लगेगा, और अगर अकीदा पुख्ता है तो काले पहाड़ से भी डर नहीं लगेगा, किसी चीज से खौफ नहीं आएगा। अगर अगर अकीदा दुरुस्त है, इस बात का यकीन है कि इख्तियार अल्लाह के पास है, जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह है, हर चीज का मालिक अल्लाह है, जब तक ये तसव्वुर नहीं पैदा होगा तब तक हमारा कोई अमल दुरुस्त नहीं होगा, फिर हम गुमराह हो जाएंगे, हम खराब हो जाएंगे, हमारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। देखिए एक नीयत होती है ना, नीयत, बंदा अल्लाह के सामने पेश होगा, आदीस में आता है, क्या करके आए हो? अल्लाह तेरे कुरान की खिदमत करता रहा, कुरान पढ़ता रहा, कुरान पढ़ाता रहा, कुरान की तबलीग करता रहा, लहक लहक के लोगों को कुरान सुनाता रहा, तिलावत का बड़ा माहिर था, बड़ा कारी था, मैंने बड़ा कुरान सुनाया, मैंने कुरान का तर्जुमा और तफसीर सुनाया, ढेर सारे आमाल आ जाएंगे कुरान की खिदमत के। लेकिन दूर कहीं ना दूर कहीं एक पर्ची नीयत की पड़ी होगी, छोटी सी पर्ची, उस नीयत उस पर्ची पे लिखा होगा, नीयत आपको राजी करने की नहीं थी, नीयत वाह करवाने की थी, सारे अमाल बर्बाद हो गए। सबसे पहले जिसका जहन्नुम में जाना वो यही बर्बाद है, नीयत की खराबी से तो जहन्नुम में जाएगा और पूरे अकीदे की खराबी के साथ जन्नत चला जाएगा, जिसने अल्लाह को माना ही नहीं है सही मानों में। मानते तो अबू जहल भी मानता था, अबू लहब भी मानता था, उनसे जब पूछा जाता था बताओ औलाद कौन देता है, कहते थे अल्लाह, बारिश कौन बरसाता है, उनका अकीदा था कि अल्लाह बरसाता है, अच्छा जी रिजक कौन देता है, जी अल्लाह देता, अल्लाह के पास है क्या, फिर अल्लाह को छोड़ के इनको क्यों मानते हो, कहते माना को तुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाह ज़ुल्फ़ा, हमारा अकीदा ये है हम इनको इसलिए मानते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब करेंगे, अल्लाह हमारी सुनता नहीं, हम बड़े गुनाहगार हैं। और उनके कॉन्शियस होने का आप अंदाजा करें, इतने वो थे कि नंगे होकर तवाफ किया करते थे, हमारे कपड़े इस काबिल नहीं है कि हम इन कपड़ों के साथ तवाफ कर सकें, नंगे होकर तवाफ किया करते थे बैतुल्लाह के अंदर जाकर। आप ये क्या था, नीयत तो बड़ी अच्छी थी ना उनकी, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे कपड़ों को मैंने क्या है ना, अपनी नीयतों को अकीदों को ठीक करो, अकीदा दुरुस्त हो तो गंदे कपड़ों से भी नमाज हो जाती है, अकीदा दुरुस्त है ना हो तो किसी बहुत बड़े ब्रांड के कपड़े पहन के भी नमाज नहीं होती। अल्लाह को तुम्हारे कपड़ों से गर्ज नहीं है, ये अल्लाह के दिए हुए हैं। अब ये एक अलग बात है, तुमने ये हलाल तरीके से लिए या हराम तरीके से लिए, अल्लाह कहते हैं कपड़े अच्छे पहनो लेकिन लो हलाल तरीके से, कपड़े भी हलाल कमाई से हो, सिलाई भी हलाल कमाई से हो, फिर आओ, फिर आके मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, देखो मैं तुम्हारी दुआएं पूरी करके कबूल करता हूं। अगर कपड़े हराम के हैं, मन बसु का हराम उन मकामों का हराम उन, खाना भी हराम का है, पहनना भी हराम का है, पीना भी हराम का है, फिर कहता है या रब मेरे रब मेरी दुआ कबूल कर, अल्लाह फरमाते हैं कैसे, अन्ना जो सजा बोला का कैसे, एक लुकमा हराम जो अल्लाह की नाफरमानी के साथ हुआ है, मुर्गी हलाल है ना, हलाल पैसे दे के हम कमाएंगे लेके आए खाएं, हलाल है वो, लेकिन अगर चोरी करके लाएंगे तो वो हलाल भी हराम हो जाएगी,
अब जब एक अल्लाह की नाफरमानी के साथ रिजक हलाल हराम हो जाता है तो उसका तो फरमाया जो लुकमा हराम जिस पेट में जाता है ना, एक लुकमा 40 दिन उसकी नमाज कबूल नहीं होती, उसकी इबादत कबूल नहीं होती। एक लुकमा हराम से तो ये हाल हो जाए और सारा ही अकीदा गंदा दिल में लेके बंदा कहे कि मैं बड़ा पक्का नमाजी हूं, 5 वक्त का समय गुजार हूं, अकीदा दुरुस्त नहीं होगा तो खुदा की कसम सब बेकार और जाया चला जाए, बेकार हो जाएगा, कुछ पता नहीं पड़ेगा। हम पहाड़ जितनी नेकियां ये सब जाया हो जाएंगी। अल्लाह को तुम्हारी नीयतों तुम्हारे अकीदों की जरूरत है। तकवा बिल्कुल अल्लाह पर तुम्हारे दिलों के तकवे कौन से हैं, अल्लाह तुम्हारे अकीदों की इस्ता चाहते हैं। आज मैं ये कर रहा था कि ये अगर मनहूस है ये महीना तो किसरा की सल्तनत फारस ईरान ये भी सफर के महीने में बदला हुआ है। और ये जितने मनहूसियत के जितने अकीदे मुसलमानों में आए हैं ना, ये सारे असल में उन ईरानियों ने हमसे बदला लिया हुआ है। इस्लाम का लिबादा ओढ़ के वो हमारे दरमियान आए और ये सारे गंदे अकीदे इसमें राज कर दिए। हजरत अली को मुश्किल कुशा बना दिया, हजरत अली को खुदा बना दिया, कभी सरेआम खड़े होकर बदबख्तों ने कह दिया अली जो है वो असल में अल्लाह ही है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सारे अकीदे वहां से आए हुए हैं जो हमने अपनाए हुए हैं, हमने हमारे वो दिलो दिमाग में कड़े हुए हैं ये सारे अकीदे। किसरा फतह हुआ सफर के महीने में, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने सफर के महीने में। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह को सारी दुनिया जानती है, उन्होंने अपने दौर में किस कदर दीन की खिदमत की है, किस कामयाबी के साथ। अगर ये महीना मनहूस होता तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत ही मनहूस होती है। हजरात सोचना चाहिए। आज मैं मुताला कर रहा था, बड़ा मैं हैरान हुआ, कुदरत का निजाम है ये। 23 मार्च 1940 को जब कराचाज पाकिस्तान मंजूर हुई थी ना, वो भी सफर का महीना था, वो भी सफर का महीना था। और 28 मई 1998 को जब पाकिस्तान ने एजमी धमाके किए थे ना, उस दिन यकम सफर थी, सफर की पहली तारीख थी। ये सारा सफर का महीना है और हमने इसको मनहूस रखा हुआ। हमारे घरों में खुशियां नहीं मनाई जाती, हमारे घरों में शादियां नहीं की जाती, हमारे घरों में जो है ना वो ऐसे लिबास नहीं पहने जाते बड़े। ये सफर का मनहूस महीना है। बंदा पूछे अगर ये मनहूस है तो बताइए पर कौन सा महीना मनहूस नहीं है, कौन सा महीना है जो मनहूस नहीं है ये बताइए। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में फौत हुए, आपका दुनिया से आप रुखसत हुए, इंतकाल हुआ, तो फिर रबीउल अव्वल इससे बड़ा मनहूस होना चाहिए पहले मैं सच। फिर उससे बड़ा मनहूस वो महीना होना चाहिए। अगर वो तुम्हारे जश्न के लिए जायज हो सकता है तो इसको क्यों नहीं करते हो। सफर के महीने में हमने किस कदर खराबियां पैदा की और इसके असबाब पे गौर करना चाहिए। ये सारे अकीदे क्यों बने हैं, ये गंदगी अकीदे में गंदगी क्यों आई है, चंद वजूहात है इसकी, इनकी तरफ इशारा करना चाहता हूं। ये पीर परस्ती और आबा परस्ती और औलियाउल्लाह के बारे में मन गढ़ंत करामात, हमारे पीर साहब जनाब 200 मील दूर बैठ के देख लेते हैं, हमारे जनाब पीर साहब हैं वो हमारे दिल की बातें जान लेते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अलीमों के साथ इससे दूर मैं हूं, और हमारा कीदा बना हुआ है ये पीर साहब जिसके पास हम गए हैं ये हमारे दिल की बात जानते हैं। कैसा अजीब और घटिया की, और ये अकीदे जो है ना ये भी अल्लाह से दूर कर रहे हैं। कह दिया हमारे जनाब ये बहुत बड़े पीर साहब हैं, उस वक्त तक वो तस्वीर पीर होते हैं, जब वो घर की इज्जत लूट के माल लूट के ले जाते हैं, फिर अखबार में खबर आती है जाली पीर नौजवान लड़की की इज्जत लूट के भाग गया, फिर वो जाली होता है। भाई आपका अकीदा क्यों नहीं, वो पहले ही जाली है। असली पीर आपकी मस्जिद का इमाम है, असली पीर आपका बाप है, आपकी मां है,
आपका बड़ा भाई है, आपकी बड़ी बहन है जो आपसे प्यार करती है। असली पीर वो है जिसका अकीदा दुरुस्त है, उसको पीर मानो अगर मानना है तो। अगर तुम्हारा पीरों के बगैर गुजारा नहीं तो पीर तुम्हारे गिर्द और नवा कर रहे हैं, उनको तो पूछते नहीं हो। और ये जो जाली पीर है जो तुम्हारी इज्जत के भी लुटेरे, तुम्हारे माल के भी लुटेरे, तुम्हारे अखलाक के भी लुटेरे और तुम्हारे ईमान के भी लुटेरे, उनको तुम पीर समझते हो। ये पीर परस्ती जो है ना, ये भी अकायद की बिगाड़ का सबब है। इसी तरह मन गलत रिवायात और एकायात और बेबुनियाद वाकया जिनकी कोई हकीकत नहीं है कुरान और सुन्नत में, कहते हैं हमारा पीर उड़ता है फजा में। मैंने कहा उड़ता है तो मक्खी भी तो उड़ती है, क्या फर्क है उसमें? गंदी मक्खी यहां बैठती है फिर वहां बैठती है, वो भी तो फजा में उड़ती है ना। तुम्हारे पीर का कमाल क्या हुआ? यकीन जानिए, अब सोचिए जरा हमारी अकल कहां चली गई है। कैसे कैसे वाकयात हैं हम सुनते हैं ना। तो एक किताब में मैंने खुद ये किताब में मैंने वाकया पढ़ा, मौलवी साहब ने लिखा पीर अब्दुल कादिर जिलानी एक जगह पे गए, उन्होंने दावत खाई तो वो हड्डियां बच गई, तो एक कंपा आया वो हड्डी लेके उड़ा, आगे वो जा रहा था अचानक उसके पांचे से वो हड्डी छूटी, एक कब्रिस्तान में गिर गई, सारा कब्रिस्तान बख्श गया। पहले पैगंबर उनते हैं तुम्हारे अकीदे की बुनियाद पर बख्शिश होनी है और वो हड्डी की बुनियाद पर पूछते हैं। ये पीर इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं। पीर साहब की मुरीदनी एक आई, उसने कहा पीर साहब मेरा एक ही बेटा था, बड़ी उम्मीदों से बड़े जनाब दुआओं से मांगा हुआ, वो फौत हो गया, मुझे बेटा चाहिए। पीर साहब ने उड़ान भरी और रास्ते में मलकुल मौत को जा लिया। उसने कहा तो पता नहीं तू मेरी मुरीदनी का बचा, उसको एक थप्पड़ मारा और वहां से थैला रूहों का वो लेके उलट दिया। वो रूहों का थैला नहीं था, उसमें आलू प्याज और गंडा डाला हुआ था। क्या तमाशा है! और हम आगे बढ़े, सुबहानअल्लाह क्या बात है, आगे बढ़ के हम ये बड़के नाल लगाते हैं। हजरात अपने अकीदे की फिक्र कीजिए, अकीदे पर टाका डल रहा है, हमारे अकीदे हमसे छिन रहे हैं, हमारे अकीदे खराब हो रहे हैं। ये कहानियां बेबुनियाद और मनगढ़ंत कहानियां, अल्लाह अकबर। इसी तरह तवहम परस्ती, ये पीर साहब बड़े करने वाले हैं जनाब, इनको जो ये कहते हैं इनको करो। पीरों को भी होता है कोई ना कोई लंबी लंबी छोड़े ताकि शोहरत भी मिले और पैसा भी मिले, लोग पैसे भी देते हैं आगे, लोग जनाब दौलत देते हैं, बड़े बड़े सामान देते हैं लोग। और कहते हैं पीर साहब भी कहते हैं क्या बात है, हमारी शोहरत हो रही है, बड़े लंबी लंबी छोड़ते हैं वो भी। ये सारे असल में हमारे अकायद के बिगाड़ का सबब बनते हैं। और जैसे मैंने अर्ज किया कि इस्लाम दुश्मन अनासिर ऐसे हैं जो खुद साख्ता अकीदे हमारे उसमें दाखिल कर रहे हैं हमारे दीन। जैसे मैंने ईरानियों का जिक्र किया, वो लोग जब फारिस फतह हुआ तो कई ईरानी कलमा पढ़ के मुसलमान और इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, और सारी तबाही आज तक इन्हीं की वजह से हो रही। ममलकत इस्लामिया को जब नुकसान पहुंचा है, खिलाफत इस्लामिया को जब नुकसान पहुंचा है, आप तारीख पढ़ के देख लें, वही ईरान नवाज अनासर होंगे जो मुसलमानों की सल्तनत को कमजोर कर रहे हैं। आज भी जो इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद की कोशिश हो रही है, आप इसकी गहराई में चले जाइए, वही अनासर आपको मिले, वही लोग आपको मिलेंगे जो सहाबा किराम की तौहीन कर रहे हैं, चौक और चौराहों में असहाब मोहम्मद का तबला कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही लोग मिलेंगे। तब तहकीक कर लीजिए आप। तो हजरात अकीदे की हिफाजत कीजिए। देखिए एक और बात भी बड़ी, हम नेकी के काम समझ के करते हैं, नेकी में पता क्या समझता, एक हमें मैसेज आता है, कोई कॉल है, कॉल सर नहीं है, आगे लिखा था हजरत अली का कॉल, और हम सवाल समझ के आगे 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 शेयर करते हैं, भाई आपके पास क्या दलील है हजरत अली का कॉल है रजी अल्लाह ताला। और फिर ये सारे कॉल जर्री सिर्फ हजरत अली ने बनाए हैं, हजरत अबूबकर सिद्दीक की जुबान से कोई कॉल जर्री नहीं निकला हुआ, हजरत उस्मान हजरत उमर की जुबान से कोई कॉल जर्री नहीं निकला हुआ रजी अल्लाह अनुमान। एक सोच है, फिक्र है, ये वही लोग हैं। आप जहां जितना भी गौर करेंगे ना, आपको ये खुरा वहीं से मिलेगा, ये सिलसिला वहीं जाकर जुड़ेगा।
اسلام کے اندر جتنی جھوٹی خرافات اور روایات اور بے بنیاد حکایات درج کی گئی ہیں یہ ساری وایا بٹھنڈا ہی ہیں, ساری ادھر سے ہی رہی ہیں سر. ورنہ اسلام تو بڑا سادہ ذریعہ ہے, سچا قرآن ہے, حدیث ہے. قرآن پڑھتے جاؤ مسئلے حل ہوتے جائیں گے, حدیث پڑھتے جاؤ مسئلے حل ہوتے جائیں گے. قرآن حدیث سے بڑی قوت اور طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کا یہ درجہ مطلب جب دیکھتے تھے قرآن, حضرت عمر نے کہا میرا جی چاہتا ہے طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے, حد میں حد کے حد مقرر کر لوں. ایک پینڈو سی عورت کھڑی ہوئی, کہنے کی عمر تم کون ہو حد مقرر کرنے والے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ان کو خزانوں کے خزانے دے دو. حضرت عمر آرام سے نیچے اتر ہے, کہا نہیں بھائی یہ صحیح کہہ دیے. یہ ہے اسلام تو یہ ہے, جہاں قرآن کا حکم آئے سمے نہ واسطانہ, جہاں حدیث آئے سمے نہ واسطانہ, اس کے آگے کیا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے اس اسلام کو اتنا مشکل کر دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور عقیدے کی بات میں کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا عدوا ولا دیارا ولا سفر ولا حاما, کہ کوئی متعدی بیماری نہیں ہوتی اور کوئی نحوست نہیں ہوتی, سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے, الو میں کوئی نحوست نہیں. ہمارے یہ بھی عقیدہ ہے نا, الو میں بھی نحوست ہوتی. آپ نے ارشاد فرمایا ولا حاما, الو میں کوئی نحوست نہیں. نحوست بھائی آپ کی عمل کی ہے, آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے یہ نحوست ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں, اللہ کی بات مانیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کام جو ہے نا یہ پہلی امتوں نے بھی کیا تھا, اپنے نبیوں کو منحوس کہا انہوں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا انا تطیرنا, یہ حضرت سورت یاسین میں جو آتا ہے نا تین رسولوں کا قصہ, ان کے بارے میں انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم, ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. رسولوں کے بارے میں کہا منحوس سمجھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا فیضا جا تم الحسن تو قالو لنا حاضی, جب کوئی اچھائی ملتی تو کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے. بھائی ان تو صرف ہم صحیح تو عجت تیار ہوں بے موسا, جب کوئی نقصان ہوتا کہتے موسا بھی نقصان ہے نوز باللہ, اس کے ساتھیوں بھی نقصان. اور اس سے بھی آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا, اللہ اللہ اللہ, منافقین کا طرز عمل تھا ما اصابک من حسنت فمن اللہ, جو اچھائی پہنچی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے, اللہ کا انعام ہے, ہم پہ ہم حقدار ہیں. اور وما اصابک من سیئت, اور جو برائی پہنچتی ہے فرمایا وہ تیری حرکتوں کی وجہ سے, نوز باللہ, تیرے دین کو ماننے کی وجہ سے یہ نقصان ہمارا ہو رہا ہے. حضرات سمجھیے ذرا, کسی چیز پہ نحوست کا فتویٰ لگانا ایوی نہ لگانا. ہماری مائیں اپنے بچوں کے بڑا ہی منحوس ہے, پتہ اس کا کیا مطلب ہے, برکت سے دور ہے, اللہ برکت دور کر دیتا ہے. ہم گھروں میں دکانوں پہ اپنے ملازموں کہتے ہیں وہ منحوسا ادھر آ, اور تیرے سے نحوست پہ ہی ہوئی ہے, کل ہی نحوست پہ ہی ادھر, یہ باتیں ہم کرتے ہیں. حضرات عقیدے کو درست کیجیے, اس طرح کے جملے نہ بولا کریں جو کل قیامت کے دن ہمارے گلے کا وبال بن جائے. اپنے عقیدے کو درست کریں, مائے سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے, کوئی متعدی بیماری نہیں ہے, کوئی نحوست ویسے ہی نہیں ہے, مائے سفر میں الو میں کوئی نحوست نہیں ہے, نحوست ہمارے عمل کی ہے. اگر ہم بدعملی کریں گے, عقیدہ خراب ہوگا, اللہ کی بغاوت کریں گے تو یہ نحوست ہے ہمارے عمل کی نحوست. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق